इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। अब यहाँ जो आग्रह है, निवेदन है, भरत जी भगवान को राज देने नहीं आए। भरत जी जानते हैं कि मेरे राम जी सत्यव्रती हैं, जो निर्णय ले लेंगे उसका पालन करेंगे, कोई मना नहीं सकता। और यदि मनाना होता तो मां कह देती, गुरु जी कह देते, फिर भरत प्रभु क्यों आते? रात में विचार किया है भरत भैया ने, फिर भी प्रस्ताव चार रखे, प्रभु कह दिए जो आप कहो वो मैं मानूं। क्यों कहे? प्रभु भी जानते हैं कि भरत जो कहेंगे सत्य के आश्रय में कहेंगे। ध्यान रखिएगा, एक मेरा जगत प्रसिद्ध स्लोगन है, ईमानदार व्यक्ति के जीवन में पंचायत की आवश्यकता नहीं होती है, और बेईमान की पंचायत भगवान ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं कर सकते। पंचायत की जरूरत ही तब पड़ती है जब दो में एक बेईमान हो। नहीं, जब दोनों बेईमान होते हैं तब पंचायत होती है। अरे भाई, एक हो गया, एक ईमानदार है भैया, सब तुम्हारा। क्यों? किसी की संपत्ति को कोई पचा नहीं सकता। भगवान ने युद्ध समापन के बाद विभीषण जी के पूछने पर ये कोष का क्या करें, परमात्मा ने कहा रावण ने जो कोष एकत्र किया यह आसुरी कोष है, इसको बांटिए। पूरा लंका का कोष विभीषण जी ने पुष्पक यान में रखकर और लुटा दिया, बांट दिया, सब खजाना खाली कर दिया। भरेगा कैसे? सात्विक व्यवहार से, भगवान की कृपा से खजाना भर गया। सात्विक धन होगा तभी सत्व में प्रवृत्ति करेगा बुद्धि को, नहीं तो तामस से आया तो ताम से बुद्धि बनाएगा। धन सत्व का होना चाहिए, सत्व धन से सत्व मन निर्माण होता है। कैसे है आप सब समझते हो, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। भरत जी हमारे ही स्वरूप हैं, मेरी ही परछाई हैं, ऐसा जानकर भगवान ने कह दिया आप जो कहो। भरत जी ने क्या कहा? जे विधि प्रभु प्रसन्न मन हो, अब करुणा सागर कीजिए सो। बस भगवान ने प्रसन्नता स्वीकार कर ली और कहा भैया, पूज्य पिताजी ने सत्य को रखा तन को नहीं, माँ ने वचन मांगा, पिताजी ने सत्य का पालन किया, तन का त्याग कर दिया, इसलिए हम चारों भाइयों को योग्य है कि पूज्य पिताजी ने जिस धर्म का पालन किया उसी का पालन हम चारों करें। हे भरत जी, मोहि सब भांति भरोस तुम्हारा, इस धर्म का पालन आप भी करिए और आप ही हमसे भी करवाइए। ये प्रभु ने कहा, भरत जी बोल गए, हे नाथ, मुझे आपके साथ चलने का सुख प्राप्त हो गया। क्यों? बंटवारा राम जी ने कर दिया, प्रमाण ने वही है जो श्रेष्ठ स्वीकारे, श्रेष्ठ कहे। 5 दिन में भरत भैया ने चित्रकूट के दिव्य आश्रमों का दर्शन किया, अभिषेक सामग्री एक कुप में रखवाई गई, उसका नाम अत्र जी ने भरत को बताया है। अब 5 दिन दर्शोपरांत सब समाज भगवान के दिव्याश्रम में आया है और अब सबको स्वागत करके
यथायोग्य प्रणिपात और आशीष देकर भगवान पधारे, बैठे ही हैं। इतने में भरत जी उठ खड़े हुए, प्रभु आपकी आज्ञा हो तो हम श्री अवध जाएं। भगवान ने दंडवत करते भरत जी को हृदय से लगा लिया, बहुत समझाया है, राजनीत का व्यवहार सुनाया है, मुखिया को कैसा होना चाहिए ये बताया है, कितना भी उपदेश कर रहे हैं प्रभु, लेकिन भरत जी को संतोष नहीं होता है। भरत जी भगवान के सिर चरणों की ओर देख रहे हैं, प्रभु समझ गए और मेरे करुणा निधान भगवान ने करुणा कर दी। बाबा लिखते हैं, प्रभु करी कृपा पावरी दीनी सादर भरत शेष धर लीनी चरण पीठ करुणा निधान की जनु जोग जामिक प्रजा के रखवाले भरत मुदित अवलंब लहेते भरत मुदित अवलंब लहेते अस सुख जस सियराम रहेते अस सुख जस सियराम रहेते अस सुख जस सियराम रहेते अस सुख जस सियराम रहेते। नानो प्रजा को लगा जैसे हमारे रखवाले चल रहे हैं, भरत जी को लगा जैसे श्री सीताराम जी मेरे साथ वापस श्रीधाम अयोध्या चल रहे हैं। चरणों में वंदन किए भरत भैया, प्रभु ने उठाकर हृदय से लगा लिया। आज मेरे ठाकुर विदा के समय इतना रोए, कहते हैं वृक्ष के पत्ते भी नीचे आ गए। बारिज लोचन मोचत भारी देख दशा सुर सभा दुखारी। देवता लोग जो दर्शन करने आए थे भाई भाई के ममत्व का प्रेम का, सब दुखी हो गए। वहाँ क्या सत्व है? नहीं, हमारे जीवन में भ्रातृत्व का ऐसा अनुराग हो, ऐसा प्रेम हो, सब देखें और उसको पाएं, ऐसी ममता। भगवान ने श्रेष्ठ जनों को वंदन किया है, इतर को आशीष दिया है, सब को लेकर भरत भैया गुरु सानिध्य में पुनः वापस श्रीधाम अयोध्या आते हैं। दिव्य सिंहासन पर पांवरी पधरा दी गई। चार दिन जनक राज महाराज सब संहार करने के लिए रहे, माताओं की सेवा शत्रुन भैया को सौंप दी गई है और अब गुरुदेव भगवान से अनुमति लेकर भरत भैया नंदी ग्राम में हाथ व ऊपर शरीर से धरती खोदवा करके अपनी कुशा की चटाई बिछाकर भगवान के निमित्त से तप पूर्वक रहने लगे। क्यों? भगवान धरा पर हैं, हम उनके सेवक हैं, धरा पर भी रहने के हम अधिकारी नहीं हैं। भरत भैया का जो प्रेम है, नेम है, व्रत है, मुनियों के मन को भी अगम है। राम जी अयोध्या जी में नहीं हैं, भरत जी अयोध्या जी में हैं। राम जी वन में तप करते हैं, भरत जी श्री अवध में तप करते हैं। भजन तप जब कहीं भी परिवार हो, संसार हो, कहीं भी किया जा सकता है। आप भीड़ में भी एकांत रह सकते हैं, रहते ही एकांत हैं। इसलिए इस कांड को पूर्ण करते हुए गोस्वामी जी लिखते हैं, सियाराम प्रेम पियूष पूरन होत जन्म न भरत को मुनि मन अगम यम नियम शम दम वृषम व्रत आचरत को दुख दाह दारिद दम्भ दूषण सुजस मिष अपहरत को कली काल तुलसी से सठनी हटी राम सन मुख करत को हठि राम सन मुख करत को हठि राम सन मुख करत को पुनि रघुपति बहु विधि समुझा ले पादुका
अवधपुर अयोध्या जी में जैसे भैया रहे भरत रहनी सुरपति सुत कर। अब कथा अरण्यकांड में प्रवेश करती है। देवताओं के राजा इंद्र के पुत्र जयंत जैसे आकर मां के चरण में चोंच मारे, भगवान ने सीक का धनुष बनाकर एक बाण छोड़ा, उनको जो स्थिति प्राप्त हुई ये काकभूषण जी ने सुनाई। सुरपति सुत कर प्रभु अरु अत्रि भेंटे भगवान चित्रकूट से आगे बढ़े, अत्रि महाराज से मिले। अत्रि जी ने भगवान का दिव्य स्वागत किया। नमामि भक्त वत्सलम कृपालु शील कोमलम भजामि ते पदाम्बुजम अकामिनाम स्वधामदम स्तुति किया। माँ अनुसुईया जी ने सीताम्बा को नारी धर्म का पवित्र उपदेश किया। जानना, सुनना, समझना, बुझना, संस्कार संस्कार, यही हमारी थाती है साहब। संस्कार ही भारतवर्ष की थाती है। पूरी दुनिया में ऐसा कोई देश का नागरिक किसी देश का नहीं है नागरिक जो अपने देश की निंदा करता हो, छोड़ भारतवासियों के। हम लोग अपने ही देश की निंदा करते, बड़ा खराब देश भारत, फिसड्डी है। अच्छा, और जिसकी निंदा करना चाहिए उसकी प्रशंसा करते। थोड़ी सी महंगाई हो जाए आदमी चिल्लपो मचा देता है, है? थोड़ी आफत, रेलवे में भाड़ा बढ़ गया, सब बड़ी चर्चा थी, भाड़ा बढ़ा दिया तो क्या रेलवे को नीलाम कर दिया जाए पाकिस्तान की तरह? भाड़ा बढ़ना ही चाहिए, टैक्स बढ़ना ही चाहिए, क्यों नहीं बढ़ेगा? सुख हमको चाहिए। प्रेम भूषण जी को दो दो एयर कंडीशन चाहिए तो एयर कंडीशन महंगा होना ही चाहिए, क्यों नहीं होगा? गरीब का दाल नमक सस्ता हो और जो हम आप लग्जरी गाड़ी वाले हैं सब महंगा होना चाहिए। खरीदो, चढ़ना बंद करो, क्यों सस्ता होगा भाई? क्या कमी है हमारे पास? मिट्टी का तेल सस्ता होना चाहिए, आटा सस्ता होना चाहिए और जो बड़े बाबू लोग खरीदते हैं वो सब महंगा होना चाहिए। एसी थ्री टायर से ऊपर हवाई जहाज के सब टिकट 20,000 से कम का नहीं होना चाहिए, क्यों? अरे साहब, इतना महंगाई है तब एयर स्टेशन पर एयरपोर्ट पर भगदड़ मची रहती है, इसलिए महंगा है कि कम लोग चलेंगे। जिसका होता उसी का हम विरोध करने लगते हैं। और फिर भारत बहुत खराब है। क्यों खराब है? ऐसा क्या है जो हम नहीं करते हैं साहब? सब कुछ करते हैं, बुरा न लगाइएगा। है मध्यम से नीचे के जो लोग हैं उनको मेहनत करना है और हमको आपको ऊर्ध्वगति करना है। हर बात का विरोध नहीं करना चाहिए, जिसका विरोध करने योग्य है उसी का। जीवन रक्षक दवाएं सस्ती होनी चाहिए, मौज के सब सामान महंगे होने चाहिए, शराब की बोतल 50,000 की बिकनी चाहिए देश में, शराबी कम हो। ओ भैया, सुना है 10 रुपया के मिलत, तो बताओ। विषयी लोगों के सब समान, एक सिगरेट 100 रुपए का होना चाहिए जिससे लोग पिए तो दर्द होए, हैं? माताएं अंकुश रखें। नशा करे उसका भोजन बंद करो। नशा देश के लिए नहीं जीवन के लिए अभिशाप है। तो दुर्भाग्य है इस देश का, जो आबकारी कमिश्नर ऑक्शन करता है शराब का, वही उसको बंद कराने का भी विभाग देखता है। वह खोला था, वह बंदो करावा था। शराब इससे भयंकर है, शराब की बिक्री बढ़ाइए, दूसरा बोर्ड लगेगा, शराब पीना जहरीला है, ले कौन बंद करेगा? माताएं, खास तौर से माताएं धर्म की प्रतिमूर्ति हैं, इसलिए पति के पहले धर्म नहीं लगता है, धर्म पति। पति तो धूमकेतु धर्म का जाने,
इसलिए माताओं के आगे लगा है धर्म पत्नी, अर्थात यही धर्म में प्रवृत्त करती हैं। इसलिए माताओं से मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि पतियों पर जरा चाबुक रखो, इनको थोड़ा संभालो, इनको ठीक करो। और घर का पिता यदि व्यवस्थित है साहब तो ए, पता चला ससुर पिता पीता है, ले कौन संभालेगा हो? हम आप कथा सुन रहे हैं संस्कार के लिए, इसलिए सावधान। राम जी ने जो ममत्व दिया भरत जी को, ये हमारे जीवन में भक्ति का स्वरूप बनकर के उपस्थित हो और हम अपने धर्म से, परिवार से, परमार्थ से, देश से, प्रदेश से सबसे प्रेम करें, तब न भक्ति चढ़ेगी। सब में प्रेम रखो, किसी से विरोध नहीं करो। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।